चलो चलो देखिए, सबसे पहले इस फिल्म का नाम है मरकर भी टाइगर भी जिंदा, यानी मेन टाइगर भी जिंदा है। टाइगर ग्रुप में एक नया मैंने इस फिल्म में किया है जिसका नाम है मनमोहन मिश्रा। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा एक्टर है, डांसर है, उस पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया हीरो मिलने की उनसे पूरी उम्मीद है मुझे। और इस फिल्म में आज एक्शन कर रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने क्लाइमेक्स किया था इसी जगह पे, तकरीबन 5 दिन हम लोगों ने क्लाइमेक्स किया था और बहुत भव्य रूप से मैंने किया था। इस फिल्म में मेरी दो हीरोइनें हैं अभी फिलहाल यहाँ पे, देखिए अंजना जी हैं, पूनम जी हैं, एंड तीसरी एक हीरोइन है इसमें पायस पंडित भी हीरोइन है। तीन तीन हीरोइन इस फिल्म के अंदर हैं, हीरो एक हैं, तीन हीरोइन हैं इसके साथ। ये गाना जो है म्यूज़िक छोटे बाबा ने दिया है, छोटे बाबा मेरे बहुत फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अच्छे गाना बनाते हैं और म्यूज़िकली बहुत हिट देते हैं। अंजना जी मेरी बहुत फेवरेट हीरोइन है, इनको रखा है हमेशा हर फिल्म में रखते हैं, पूनम जी को भी हमेशा कम्पीट करते हैं क्योंकि इन लोगों का कम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये लोग बहुत अच्छे काम करते हैं और फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, गाने बहुत अच्छे हैं, सेट पर शांति रहती है, चिल्लम चिल्ली नहीं रहते, गए आया रे गया वो सब नहीं होता, एक आवाज़ में आवाज़ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लोग जो अंजना जी जैसी हैं या पूनम जी के सारा समझ जाती हैं आ जाती हैं। अभी देखिए मेरे फिल्म के खलनायक हैं मिस्टर अयाज खान जो अभी आ गए, ये फिल्म में एक रोल प्ले कर रहे हैं। संजय पांडे इस फिल्म में विलेन है, उनके ये दो भाई हैं अयाज खान और रजनीश पाठक, दो भाई हैं इस फिल्म में काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे कलाकार हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि अप्रैल मार्च या अप्रैल में रिलीज़ करने का प्रोग्राम है। और जिस तरह से पिछले समय मुन्ना मवाली जो है पिक्चर हिट हुई थी, आप लोगों ने प्यार दिया था, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस फिल्म को भी आप लोग हिट करेंगे, ऑडियंस लोगों से पूर्ण उम्मीद है मुझे। और बहुत सारे कलाकार तो उसमें रिपीट हैं, जैसे अंजना जी मुझे उस फिल्म में दी थी, तो ये मेरे लिए आयास भी था, तो ये मेरे लिए बड़ा गुडलक होते हैं ये लोग क्योंकि रखते हैं, तो मुझे लगता है फिल्म चलनी चाहिए, मेरे लिए बहुत शुभचिंतक शुभ संकेत होता है। और ये फिल्म जो है अप्रैल में रिलीज़ का प्रोग्राम है, भगवान ने चाहा तो एक बार फिर से हिट फिल्म देने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ऑडियंस के ऊपर है, ऑडियंस जनता है भाई, जनता सब जानती है, वो जो चाहेगी वही होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी फिल्मों को उन्होंने शुरू से हथकड़ी, अदालत, इंतकाम, बहुत सारी फिल्मों उन्होंने देखा है, मेरी फिल्मों को सराहा है, इस फिल्म को भी सराहेंगे। अब मैं चाहूँगा कि मेरी हीरोइन अंजना जी से कुछ पूछिए इनसे। बताइए फिल्म के बारे में, आपने डायरेक्टर के बारे में, उन्होंने तो काफ़ी तारीफ की आपकी, तो इसलिए मैं भी तारीफ की। उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और जैसा सर ने सर की फिल्मों का आप जानते ही हैं कि हमेशा एक्शन पैक फिल्म रहती है, ये फिल्म भी वैसी ही है। और इस फिल्म से भी रवि जी एक नए हीरो को लॉन्च कर रहे हैं और जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा काम किया है। उम्मीद है कि जैसे हम लोग की लास्ट फिल्म मुन्ना मवाली बहुत अच्छी गई थी और इस फिल्म को भी बहुत ही अच्छे से काफ़ी अच्छे लेवल पे शूट कर रहे हैं हम लोग, तो ऑडियंस का प्यार इस फिल्म को मिला है। पूनम कुछ कहना चाहेंगे? अदालत से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा पढ़ने का मौका मिलता है और इस बार भी स्टोरी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आई एम वेरी हैप्पी जी। ये मेरे फिल्म के हीरो हैं मनमोहन मिश्रा, बहुत लंबा है लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को जो है एक लंबा हीरो की बहुत ज़रूरत थी, तो सिर्फ लंबा देखने में नहीं है, काम भी बहुत इनका लंबा ही है, फाइट भी करते हैं तो एकदम सर तक पैर जाता है इनका है। और एक्टिंग भी जबरदस्त करते हैं। अभी दो सब दिन से भी सुन लीजिए, आप इधर आइए, अंजना जी इधर आइए, आप हीरो के बगल में आइए, अच्छी रहेंगी, हम लोग डायरेक्टर आदमी हैं ये। हाँ मैं हो गया नहीं भाई, आउट हो गया।